साथियों, अगर कोई छिपी हुई बात जान ले या कोई अपना या किसी और का फ्यूचर या पास्ट देख सके तो ऐसे में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं। तो आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे बहुत ही बेहतरीन आसान अमल से कराता हूँ कि जिसे करके आप अपना फ्यूचर पास्ट देख सकते हैं, छिपी हुई बातें देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथियों, फ्यूचर देखने की ज़रूरत, पास्ट देखने की ज़रूरत और छिपी हुई बातें जानने की ज़रूरत हमें कई बार पड़ती है और कई बार तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें, हमारे लिए जानना। जैसे किसी के मकान में कोई ख़जाना है या उसके बाप दादा, उसके घर में कोई अपनी चीज़, सामान जिसे ख़जाना कहते हैं, वो रख कर और बिना निशानदेही के, बिना पता बताए गुजर चुके हैं, तो ऐसे में उस ख़जाने का पता लगाने के लिए, और किसी के ऊपर कोई बीमारी है या कोई नेगेटिविटी है, कोई असरात है, कोई किया कराया है, ये जानने के लिए, कोई इम्तिहान में पास होगा या फेल होगा ये जानने के लिए, किसी का किसी के साथ रिश्ता हुआ है, वो रिश्ता सही है या गलत है, शादी होगी या नहीं होगी ये जानने के लिए, और कोई किसी से मोहब्बत करता है और उसको लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरा साथ नहीं निभाएगा, तो ये जानने के लिए, और ऐसे कई सारे मौके होते हैं जहाँ पे हमें फ्यूचर और पास्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है, छिपी हुई बातें देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये जो अमल है ये बड़े काम का है। और ये अमल साथियों में दो तरीके से मैं आपको बताऊँगा। जो लोग एक दिन में जानना चाहें, एक दिन में करना चाहें, वो कर सकते हैं, और जो आसानी तलब करना चाहें, करना चाहते हैं, उनके लिए भी बताऊंगा, लेकिन उनके लिए फिर एक हफ्ते का टाइम लगेगा छिपी हुई बातें जानने के लिए। तो पहले एक हफ्ते से शुरू करते हैं कि ये जो अमल है ये है अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम का, जो है या खबीरू, या खबीरू, या खबीरू। साथियों, इस इस्म का मतलब है खबरदार, ऐ दिलों की बातों की खबर रखने वाले, और ये इस्म जलाली है साथियों। यही नाम है, इसी नाम को पढ़ने से आपको छिपी हुई बातें मालूम हो जाएंगी, पास्ट फ्यूचर आपको दिख जाएगा, आप जो जानना चाहते हो वो पता लग जाएगा, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप इस अमल के ज़रिए निकाल सकते हो। अब इसमें कोई मसला नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी आयत है, बहुत लंबा चौड़ा अमल है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बस बहुत ही आसान अमल है, कोई भी करना चाहे कर सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनपढ़ हो, पढ़ा हो, कोई भी कर सकता है। तो एक हफ्ते का जो अमल है वो ये है कि ये या खबीरू, या खबीरू, या खबीरू, इसको आपने 501 बार रोज़ाना सोने से पहले सीने पर हाथ रख कर पढ़ना है, पढ़ के सो जाना है। इसी तरह एक हफ्ते करने से, एक हफ्ते के अंदर अंदर या एक हफ्ते में आपको जो आप जानना चाहते हो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तरीका ये है कि रात को जब आप सोने लगें और सीने पे हाथ रख के इस अमल को पढ़ने लगें, तो अपने काम की नियत कर लें, जो आप जानना चाहते हैं उसकी नियत कर लें कि मौला ये मुझे जानना है, ये मुझे बता दे, इससे मुझे आगाह कर दे। वो नियत हो गई। नियत करने के बाद आपने क्या करना है कि आप कंसंट्रेशन के साथ, यकसुई के साथ अपने दिल पे हाथ रखें, सीने पे हाथ रखें, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। किसी को कोई दुरूद पाक नहीं आता तो बता दूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना पढ़ लें, ये दुरूद पाक हो गया। अव्वल आखिर 11-11 बार शुरू में और आखिर में 11-11 बार इसको पढ़ लें, और 501 मरतबा आपने या खबीरू, या खबीरू, या खबीरू पढ़ें, और अपने काम की नियत करें, जो जानना चाहते हैं
उसकी नियत अपने दिल में जमाए रखें, कल्पना करें और ये अमल पढ़ के सो जाएं। एक हफ्ते में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको वो बात मालूम पड़ जाएगी जो छिपी हुई है, जिसे आप जानना चाहते हैं। वो फ्यूचर है, वो पास्ट है, वो छिपी है, वो आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ये रहा एक आसान तरीका, और एक तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दिन में जो है इसमें रिज़ल्ट मिल जाता है और छिपी हुई बात मालूम पड़ जाती है। एक बात रह गई थी उस अमल में कि साफ़ सुथरा होके लेटें, यानी जो मुसलमान हैं वो बावजू होके लेटें, और जो वज़ू नहीं जानते हैं वो साफ़ सुथरा होके लेटें, हो सके तो पूरे एक हफ्ते ताज़ा गुस्ल करें, यानी स्नान करके नहाएं और नहा के सोएं और ये अमल करके सोएं तो कामयाबी मिलेगी। जो दूसरा तरीका है आप जान लीजिए, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं करना, एक ही दिन में ये अमल मुकम्मल हो जाता है, और एक ही दिन में आप छुपी हुई बातें पास्ट और फ्यूचर जान सकते हैं, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तरीका ये है कि जुमेरात के दिन रोज़ा रखना है, जुमेरात के दिन रोज़ा रखना है, और इफ्तार करने के बाद आप जो भी आपका काम हो उससे आप अच्छे से निपटा के फ्री हो जाएं, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। अव्वल वक्त में अब आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, जैसे ही इशा का वक्त हो आप नमाज़ पढ़ें, और अगर आप बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप जो है जमात के साथ नमाज़ पढ़ें और तुरंत अपने घर आ जाएं। अब आपने क्या करना है कि अगर भूख सता रही है तो हल्का फुल्का थोड़ा कुछ खा लीजिए, नहीं तो अगर भूख ज़्यादा नहीं है तो ना खाइए। अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक और 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आयत 11 मरतबा पढ़ी जाएगी दुरूद पाक के बाद, यानी शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक, फिर ये आयत 11 मरतबा, और बीच में आपने 1100 मरतबा या खबीरु अखबिरनी 1100 मरतबा पढ़ना है। अमल अच्छे से समझ लीजिए, बड़े काम का अमल है। अगर कोई भाई करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जुमेरात के दिन रोज़ा रखना है, इफ्तार करना है समय से, और अव्वल वक्त में इशा की नमाज़ पढ़ना है, इशा की नमाज़ के बाद आपने ये अमल करना है सोने से पहले आपने लेट कर इस अमल को नहीं करना है, आपने बैठ के इस अमल को करना है, क़िबला रुख होके पढ़ना है, बैठना है, और बावजू होके बैठना है, अपने काम की नियत करना है, यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ, यकसुई के साथ, पूरे अकीदे के साथ, जी लगा के, पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ इस अमल को पढ़ना है। तरीका ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, दुरूद पाक के साथ आपने सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत आपने पढ़नी है दुरूद पाक, फिर ये आयत 11 मरतबा, 1100 मरतबा या खबीरु अखबिरनी पढ़ना है, और इस तरह से अपने काम की नियत करके पढ़ना है कि फला चीज़ मुझे जाननी है और ये इस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप इस अमल को करके और अपने उस चीज़ की नियत करके, उस काम की नियत करके सो जाइए जो आप जानना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी रात में अल्लाह के हुक्म से आप बाखबर हो जाएंगे उस बात से जो आप जानना चाहते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हैं। तो वाकई में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है, पास्ट फ्यूचर देखना है, छिपी हुई बातें जानना है, तो ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल नुस्खे उपाय ताबीज के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।